तो प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x इक्वल टू 1 बाय रूट 5 log ऑफ रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मान करके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये i है, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x, इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पर cos x है, तो अगला जो एंगल यहाँ पर सॉल्व करने पर हाफ एंगल हमें मिल जाएगा। तो ये 0 टू पाई बाय 2 dx, 2 के साथ में आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू 2 1 के स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, प्लस 3 cos x, cos x के स्थान पर आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। अब पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 टू पाई बाय 2 गुणांकों को कलेक्ट कर लेंगे। देखिए cos स्क्वायर x बाय 2 का गुणांक यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो मिल जाएगा 5 cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस, फिर साइन स्क्वायर का जो गुणांक है यहां पर ये 2 है और यहां पर ऋण 3 है, तो मिल जाएगा ऋण साइन स्क्वायर, ये मिल जाएगा x बाय 2। आगे सरल करने के लिए अंश व हर को cos स्क्वायर x बाय 2 से हम भाग देंगे। इस प्रकार के प्रश्न हल कर चुके हैं, बस अंतर यह कि इसमें लिमिट हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये 0 टू पाई बाय 2 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2, तो मिल जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 और ये dx, 5 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2, तो मिल जाएगा 5, फिर sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2, तो मिल जाएगा 10 स्क्वायर x बाय 2। तो अब प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना tan ऑफ x बाय 2 इक्वल टू t है, तो tan ऑफ x बाय 2 का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2, फिर x बाय 2 का अवकलन करेंगे मिल जाएगा 1 बाय 2, फिर x का, तो ये dx इक्वल टू dt। यहां से आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाय 2 dx इक्वल टू 2 dt। अब जब हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी बदल जाएगी, ये जो लिमिट है ये x का ले दिया गया है, जब x इक्वल टू 0 है तो यहां पर हमें मिल जाएगा t इक्वल टू tan ऑफ 0 बाय 2 अर्थात tan 0, तो tan 0 मिलेगा 0, और जब x इक्वल टू पाई बाय 2 है तो t इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 मिलता है 1, तो ये हमें लिमिट मिल गई 0 टू 1, और ये वेरिएबल जो चेंज हो रहा है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये 0 टू पाई बाय 2 है, ये 0 टू 1 हो चुका है, और sec स्क्वायर ऑफ x बाय 2 dx इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 2 dt अपॉन 5 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2, तो ये है t स्क्वायर। इसमें से यदि आप 2 कॉमन लें तो ये इंटीग्रेशन है 0 टू 1 dt अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर ये माइनस t का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का फॉर्मूला आपने देखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। इस सूत्र का उपयोग करके डायरेक्टली हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 2, फिर 1 बाई 2a एक स्थान पर है रूट 5, फिर log ऑफ a प्लस x, तो ये रूट 5 प्लस t और रूट फाइव माइनस टी। अब ये तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर देते हैं, और अब यहां से 0 टू 1 जो लिमिट है वो अप्लाई करेंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 1 बाई रूट फाइव, और फिर लॉग ऑफ टी के स्थान पर 1 पुट कर देंगे तो मिल जाएगा रूट फाइव प्लस 1 अपॉन रूट फाइव माइनस 1, फिर माइनस लॉग टी के स्थान पर 0 रख देंगे, तो ये 0 0 रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा लॉग 1, और लॉग 1 आपको मिलेगा 0।
अच्छा यहाँ पर हम प्लस सी लिख सकते हैं जहां पर सी समाकलन नियतांक है, तो इस प्रकार हमें आगे मिल जाएगा 1/√5 इंटू लॉग ऑफ, चूंकि सिद्ध करने में हमें कोई कांस्टेंट नहीं लिखा गया है तो यहां पर जो प्लस सी माइनस सी है इसे हम हटा सकते हैं, तो इसे सरल करने पर मिल जाएगा 1/√5 लॉग √5 + 1/√5 - 1 और ये है 0 to π/2 इंटीग्रेशन था डीएक्स अपॉन 2 + 3 cos x और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 0 to π/2 डीएक्स अपॉन a² cos²x प्लस b² sin²x इक्वल टू π/2ab, ये हमें सिद्ध करना है। तो हर में देखिए cos²x है, इसे सरल करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं और ये 0 to π/2 है और अंश और हर में cos²x/2 से भाग देंगे तो 1/cos²x/2, तो आपको मिल जाएगा अंश और हर को cos²x से भाग देंगे तो मिल जाएगा अंश में sec²x और फिर ये dx अपॉन a² + b² ये मिल जाएगा tan²x, तो आपको मिल रहा है sec²x dx अपॉन a² + b² tan²x। अब यहां पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे कि माना b tan x इक्वल टू टी है, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा b sec²x dx इक्वल टू dt या फिर sec²x dx इक्वल टू dt अपॉन b। अब वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ये लिमिट है x के लिए तो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू मिल जाएगा b tan 0, tan 0 0 तो मिल जाएगा 0 और जब x इक्वल टू π/2 है तो मिल जाएगा t इक्वल टू b tan π/2, tan π/2 इन्फिनिटी तो ये आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी। तो इस प्रकार जो इंटीग्रेशन दिया गया था 0 to π/2 dx अपॉन a² cos²x प्लस b² sin²x ये लिमिट चेंज हो गया 0 to ∞ हो गया, dx के स्थान पर आप लिखेंगे dt अपॉन b और ये है आपका a² + t² सॉल्व करेंगे 1/b कांस्टेंट है, ये जो है सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1/a tan 1t/a और ये लिमिट है 0 to ∞, तो ये 1/b और ये 1/a है तो 1/ab बाहर आ जाएगा और फिर tan इनवर्स t के जगह में पहले आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन a फिर माइनस tan इनवर्स 0/a, आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/a और फिर ये tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 के लिए मिलता है तो मिल जाएगा 1/ab और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी तो ये मिल जाएगा π/2 और फिर ये माइनस 0। तो इस प्रकार हमें जो सिद्ध करना था वो हमें मिल गया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन a² cos²x प्लस b² sin²x इक्वल टू π/2ab, यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन 1 to 2 5x² dx अपॉन x² + 4x + 3 इक्वल टू 5 + 1/2 इंटू 5 log 3 + 85 log 2 -45 log 5। अगर आप ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड पर तो अंश और हर की जो घात है यह समान है, तो इसका मतलब ये कि
इसे भाग देकर के और सरल किया जा सकता है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इससे हम डिवाइड करेंगे 5x स्क्वायर को, ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 20x और फिर ये माइनस 15। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 5 माइनस 20x प्लस 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ये जो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, इसे हम आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ करके सरल करेंगे। ये 5 माइनस 20x प्लस 15 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो मिल जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। कैसे करते हैं आपको ये पता है, तो ये जो पद हमें प्राप्त हो रहा है, इस पद को आंशिक भिन्नों में बदल करके पहले सरल करेंगे, तो 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। माना कि ये a अपॉन x प्लस 1 है प्लस b अपॉन x प्लस 3 है, सरल करने पर आपको मिल जाएगा 20x प्लस 15 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। और सरल करेंगे तो x के साथ गुणांक आएगा a प्लस b और फिर कांस्टेंट आएगा 3a प्लस b। गुणांकों की तुलना कर करके आगे सरल करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर x का गुणांक a प्लस b है और इधर x का गुणांक 20 है, तो मिल जाएगा a प्लस b इक्वल टू 20। राइट साइड पे 3a प्लस b कांस्टेंट है, 3a प्लस b कांस्टेंट है और राइट हैंड साइड पर है 15। तो मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 में 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 में 2 को घटा देंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस a दैट इज 2a इक्वल टू 15 माइनस 20, मिल जाएगा माइनस 5। तो यहां से आपको मिल रहा है a इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2, ये एक रिजल्ट मिल चुका है। अब यहां से b की वैल्यू निकालनी है, तो b इक्वल टू समीकरण 2 से b इक्वल टू 20 माइनस a, तो 20 माइनस और माइनस प्लस 5 बाय 2, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 45 बाय 2। तो इस प्रकार b इक्वल टू मिल रहा है 45 अपॉन 2। a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई, उसे हम यहां पर रख देते हैं इस स्थान पर और फिर आगे इस पे पुट करके समाकलन करेंगे। तो 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हमें मिल गया माइनस 5 बाई 2 और ये x प्लस 1 प्लस 45 बाई 2 ये x प्लस 3। तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 5 माइनस माइनस 5 बाई 2 ये x प्लस 1 प्लस 45 बाई 2 x प्लस 3। अब दोनों पक्षों का यदि समाकलन कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये 1 टू 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 2 5 माइनस माइनस 5 बाय 2 x प्लस 1 प्लस 45 बाय 2 x प्लस 3 dx। आगे सॉल्व करेंगे तो पहले पद का समाकलन मिल जाएगा 5x, फिर माइनस और माइनस प्लस 5 बाई 2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 45 बाई 2 log ऑफ x प्लस 3 और ये लिमिट है 1 टू 2। ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली हमें यहां पर माइनस साइन मिलेगा। अब आगे ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं, पहले x के स्थान पर 2 रख करके सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 10
प्लस 5 बाई टू लॉग 2 प्लस 2 3, फिर माइनस 45 बाई टू लॉग ऑफ 2 प्लस 3 5, फिर माइनस साइन x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 5, फिर माइनस 5 बाई टू लॉग ऑफ 2 और माइनस प्लस 45 बाई टू लॉग ऑफ 4, 3 प्लस 1 4, ये 10 माइनस 5 करेंगे तो मिल जाएगा 5, और इसके बाद सभी पदों में हम 1 बाई टू को कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 बाई टू यहां पर मिलेगा 5 लॉग 3 माइनस 45 लॉग 5, फिर माइनस 5 लॉग 2 प्लस 45 लॉग 4, लॉग 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब ये जो 2 है 45 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 90 हो जाएगा, तो ये 5 प्लस 1 बाई टू 5 log 3 माइनस 45 log 5 माइनस 5 log 2 प्लस 90 log 2, ये log 2 वाला टर्म है और ये log 2 वाला टर्म है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 85 log 2, 5 प्लस 1 बाई 2 5 log 3 माइनस 45 log 5 और प्लस 85 log 2, और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था कि इंटीग्रेशन 1 टू 2 5x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, सो ये सिद्ध हुआ। तो प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग ऑफ 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 4, ये हमें सिद्ध करना है। तो माना कि i इक्वल टू ये इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू 2 dx अपॉन x माइनस x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर, ये समीकरण एक है। पहले ये जो राशि हमें दी गई है फलन जो दिया गया है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर, इसको हम आंशिक भिन्नों में पहले परिवर्तित कर लेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि हर में जो पद है इसे दो पूर्ण वर्गों का योग या अंतर के रूप में सरल करने की कोशिश करेंगे। तो यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लें और उसे अंश में लगा दें तो ये हमें मिल जाएगा, पहले x स्क्वायर को लिख रहा हूँ x के घातों के घटते हुए क्रम में, तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब ये x स्क्वायर है फिर माइनस 2 ए बी, बी के जगह में 1 बाई 2 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1 बाई 4 हमें ऐड करना पड़ेगा और 1 बाई 4 हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमें पूर्ण वर्ग दे देगा, ये है माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, फिर माइनस सरल करेंगे तो मिल जाएगा ये जाएगा 4 और ऋण 1 ऋण 16 मिल जाएगा ऋण 17 इस तरीके से, या फिर यदि इसे धनात्मक बनाना चाहें तो ये 1 बटे ये वाला पद पहले आ जाएगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 17 बटे 2 का वर्ग और फिर ऋण x ऋण 1 बटे 2 का वर्ग। तो ये मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है, अब इसे समीकरण एक में यह मान रख देते हैं, तो समीकरण एक में मान रखने पर i इक्वल टू फ्रॉम 0 टू 2 dx अपॉन रूट 17 बाई 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस सूत्र का उपयोग करके हम आगे इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 ए और ए के जगह में है ये वर्गमूल 17 बटे 2, फिर लॉग ऑफ एक्स ए प्लस एक्स ए ये है तो मिल जाएगा वर्गमूल 17 बटे 2 धन एक्स ऋण 1 बटे 2,
और वर्गमूल 17/2 ऋण एक्स ऋण 1/2। और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 to 2, पहले 2 रखेंगे और फिर 0 रख के सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमें आगे मिल जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√17। फिर लॉग ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे, पहले x की जगह में हम 2 रख करके सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा √17/2 +2 -1/2, फिर √17/2 -2 -, +1/2, फिर माइनस लॉग ऑफ, √17/2 +0 -1/2, फिर √17/2 -0 -, +1/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 1/√17 log of, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा √17/2 +3/2, और 17 √17/2 -3/2, फिर माइनस log of √17/2 -1/2, और √17/2 +1/2। इसे आगे सरल करेंगे तो I इक्वल टू, आगे हमें मिल जाएगा 1/√17 इंटू log of, √17 + 3 अपॉन √17 - 3। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि log m माइनस log n इक्वल टू log of m by n, तो यदि इसे गुणा में परिवर्तित करना हो तो अंश को हर में और हर को अंश में लेकर के सरल करेंगे, तो ये भाग का जो चिन्ह है वो गुणा में परिवर्तित हो जाएगा और हम लिखेंगे √17 + 1 / √17 - 1। अब सीधा गुणा करेंगे और फिर आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/√17 इंटू log ऑफ √17 √17 √17, फिर ये मिल जाएगा √17, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर 3 का गुणा इसके साथ और फिर 3 का गुणा 1 के साथ। इसी प्रकार 17 वर्गमूल 17 का गुणा वर्गमूल 17 के साथ, तो 17 मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा वर्गमूल 17, फिर ऋण 3 वर्गमूल 17 और ऋण धन 3, तो ये आगे मिल जाएगा 1/√17 log of 13 और 3 20, 3 और 1 4। इसी प्रकार 17 और 3 20 और ये ऋण 4 वर्गमूल 17। अंश और हर इन दोनों राशियों में हम 5 4 को भिन्न निकाल करके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा 1/√17 log of, 4 से भाग देंगे तो मिल जाएगा 5, इसको 4 से भाग देंगे तो मिल जाएगा ये वर्गमूल 17, फिर ये 5 ऋण वर्गमूल 17। तो अब इसे सरल करने के लिए log के अंदर में जो फंक्शन है या पद जो दिया है उसका हम परिमेयकरण कर देंगे, अर्थात हर के संयुग्मी के साथ गुणा व भाग करके आगे सरल करेंगे, मिल जाएगा 1/√17 log of 5 + √17 / 5 - √17 इंटू 5 + √17 / 5 + √17, मिल जाएगा 1/√17 log, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम इसका सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 × 2 = 10 और फिर ये √17। सिमिलरली a प्लस बी इंटू a - b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/√17 log, इन दोनों को ऐड कर देंगे मिल जाएगा 42 + 10
रूट 17 और फिर अपॉन 8। और सरल करना चाहें तो फिर हम आगे वो वैल्यू चाहिए जो प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/√17 log ऑफ 21 प्लस 5√17 अपॉन 4। और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था।